नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। के पाठक के आदेश पर होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में नए शिक्षकों की ट्रेनिंग की गई, उनको छुट्टी नहीं दी गई। अब इस पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है, जहां विपक्ष इसका पूरा दोष बीजेपी को दे रहा है तो सत्ता पक्ष के जेडीयू और बीजेपी भी के पाठक पर हमला बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं नीरज कुमार ने के पाठक के फरमान पर कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिहार में प्रभावी नहीं, बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। विद्यालय के समय सारणी सदन में की गई घोषणा, उसका अनुपालन के पाठक नहीं कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का विरोध पक्ष विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक पंकज मिश्रा ने भी उन पर कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब हद हो गया है, के पाठक अति करते जा रहे हैं, अब इनके खिलाफ मुहिम चलाया जाएगा। मैं राज्य सरकार से उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। शिक्षकों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। जदयू विधायक पंकज मिश्रा ने कहा है कि वो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, इनके कार्य से शिक्षक संघ में नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर शिक्षक लगातार उनके पास आते हैं, शिकायत करते हैं, ये ठीक नहीं है। वो जिस तरह हिंदुओं के पर्व में शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। जदयू विधायक पंकज मिश्रा ने कहा है कि मैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस मामले की शिकायत करूंगा और उनको हटाए जाने की सिफारिश करूंगा। उन्होंने कहा कि के पाठक को ये याद होना चाहिए कि वो भी किसी शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षा के कारण से आज एक बड़े अधिकारी बने हुए हैं। ऐसे ही शिक्षकों के कारण कोई आईपीएस तो कोई बड़ा पदाधिकारी बनता है। इस तरह शिक्षकों पर अत्याचार करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा था कि राज्य में कार्यरत शिक्षकों को ट्रेनिंग देना जरूरी है, लेकिन जब रमजान चल रहा हो, होली का त्यौहार हो, तो उसे देखते हुए ही कार्यक्रम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षकों को होली मनाने का अधिकार नहीं है तो फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी अधिकार कैसे है। शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक पर बरसते हुए नीरज कुमार ने यह भी कहा कि वो भी एक दिन की छुट्टी ना ले, अगर उनमें हिम्मत हो। के पाठक को चैलेंज देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें अन्य पदाधिकारियों की भी छुट्टी रद्द कर देनी चाहिए और बिहार के मुख्य सचिव को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के जितने अधिकारियों ने होली पर छुट्टी ली है, उनकी छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए। बता दें कि के पाठक के आदेश को लेकर शिक्षक संघों में भी काफ़ी रोष है और नाराजगी व्यक्त की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग अभी तक अपने आदेश से पीछे नहीं हटा है। के पाठक नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में से एक हैं। कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उनके फैसले को लेकर उन्हें घेरा गया है, लेकिन वो लगातार शिक्षा विभाग में बने हुए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि क्या शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझा गया है, इसका खामियाजा निरंकुश प्रशासकों को भुगतना होगा। बिहार में होली के त्यौहार में भी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई, वो सनातन को मानने वाले हैं, खुशियों के त्यौहार में भी उनको छुट्टी नहीं मिली, ये अन्याय है। शिक्षकों को डराया और धमकाया जा रहा है, बात बात पर उनका वेतन काट लिया जा रहा है, जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अजय आलोक, उन्होंने भी कहा कि बिहार सरकार व मुख्यमंत्री को अपने स्तर से ऐसे उदंड अधिकारी जो के पाठक जी काम कर रहे हैं, त्योहारों को अनदेखा करके आज इस तरह से हरकतें की जा रही हैं, लगता है कि सरकार से ऊपर अधिकारी ही हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपने स्तर से देखें कि ऐसे अधिकारी को क्या करना चाहिए। इधर के पाठक के फरमान पर विपक्षी खेमे के आरजेडी ने भी बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि होली की छुट्टी में जिस तरह से टीचरों को ट्रेनिंग के नाम पर लगाया गया, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है। होली जैसा त्यौहार जिसमें हर लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ सौहार्द वातावरण में इसको मनाते हैं, ये अनूठा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और इसमें इस तरह का तुगलकी फरमान कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन में बैठे लोग ये दुहाई देते थे, ये भगवा पार्टी सत्ता की लालच में सब कुछ तिलांजलि दे देते हैं। कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। बीजेपी सत्ता की लालच में सभी सिद्धांतों को ताक पर रख देती है, सिर्फ सत्ता चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर शक्ति यादव ने कहा कि के पाठक को लेकर सदन में मुख्यमंत्री जी को बोलने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। देश भर के जितने भी विपक्ष में मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डालने की तैयारी है, और जो लोग जेल में नहीं जा रहे हैं आसानी से हाईजेक हो रहे हैं, उनको हाईजेक कर लिया जाता है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी को हाईजेक कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी का कोई असर है? मुख्यमंत्री जी का कुछ चल रहा है क्या? इंडोर पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री जी को कब्जे में ले लिया है।
अब तो मुख्यमंत्री जी का हाल चिंताजनक है। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ममता का और आदर का भाव रखते हैं, वे जिस हालत में हैं निश्चित तौर पर राजकाज के लिए ठीक नहीं है। ये वही लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पर सत्ता का संचालन कर रहे हैं। बीजेपी ही दोषी है, क्योंकि पाठक शिक्षकों पर अगर अन्याय कर रहे हैं, मानवता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसमें पूरी तरह बीजेपी जिम्मेवार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हैं आनंद माधव ने भी के पाठक पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के अहंकार के आगे पूरी बिहार सरकार नतमस्तक है। शिक्षकों को होली में छुट्टी नहीं देना ना सिर्फ गलत है, वरन ये एक तुगलकी फरमान है, सरकार लाचार है। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष जो है दोनों के पाठक के विरोध में एक स्वर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पक्ष के लोग भी जब ऐसा बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार को सोचना होगा, और विपक्ष के लोग तो लगातार जो है के पाठक पर हमला बोल ही रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि के पाठक को नीतीश कुमार आखिर कैसे बचा पाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।